हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं गेमिंग फ्रेंड स्वागत करता हूं आपको मेरे चैनल पे। आप कह रहे हो कि वाई सो सैड फेस भाई, दिस इज़ एक्चुअली माय इरिटेटिंग फेस। यूट्यूब सर्वर्स की बैंड बजी हुई है, ज़ीरो वॉचिंग, कभी बफर डिसकनेक्शन इश्यूज, OBS अलग से अपनी बैंड बजाए हुए है। एवरी एलिमेंट दैट हेल्प्स यू like supposedly helped you before COVID to live stream is now against you. Internet problems, OBS software issues, now YouTube server issues, along with very crappy quality live streams that keeps on buffering no matter what you do. 1080p try kar liya, 720p private mein try kar liya, har cheez try kar li, there is seriously no way I can figure out ki main aapko ek quality live streams de paun. Now as a YouTuber and as a person who literally writes this on his channel, keep on gamifying your life. I have not been gamifying your life. It's not my problem. It's the server on which I'm live streaming. It's their problem. And of course, I won't blame them. Because bhai, COVID is an international issue. It's global issue. It's like I should say. So, kuch nahi kar sakte bhai. Kuch bhi nahi kar sakte. I can't complain. Main aap logon ko sirf bata raha hoon situation kya hai. This is the situation. तो एज फॉर मी, अब से मैं रिकॉर्डेड वीडियोस लेके आने वाला हूँ। रेजिडेंट इविल 3, वैम्पायर, अदर देन दैट फ्यू अदर गेम्स, स्टोरी बेस्ड गेम्स, अलॉन्ग विद गॉड ऑफ वॉर जो कि बैकग्राउंड पे चल ही रहा है। अब स्टोरी बेस्ड गेम्स करना लाइव भी पॉसिबल नहीं है। मैं चाह रहा था रेजिडेंट इविल 3 एक हॉरर गेम है, मैं उसको लाइव स्ट्रीम करूँ, बट द प्रॉब्लम इज़ आप जानते हो, अगर स्ट्रीम अच्छी चल रही है, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, बातें अच्छे से चल रही है, बफरिंग नहीं हो रही है, तो हॉरर गेम में मज़ा आता है। लेकिन सोचो अगर स्ट्रीम ऐसे चले कि आपको फ्रेम ही ना पता चले कि आखिर हुआ क्या, लाइक मैं आगे बढ़ा, देर वॉज अ शॉक एलिमेंट, मुझे डर लगा, जो कि यूजुअली मुझे हॉरर गेम्स में लगता नहीं है, बट स्टिल सरप्राइज हुआ, मैं शॉक हुआ एंड आई एम लाइक वो। और आप देखना चाह रहे हो कि क्या रीज़न है जो शैंक्स भाई ने ये रिएक्शन दिया। आप स्क्रीन पे देख रहे हो अपनी मोबाइल के थ्रू, चाहे पीसी के थ्रू या टैबलेट, व्हाटएवर डिवाइसेस यू गाइस आर यूजिंग, और आप क्या देख रहे हो, वो फ्रेम ही स्किप हो गई। मैंने किस चीज़ पे वो रिएक्शन दिया या मैंने किस वजह से मैं मर गया उस गेम में, वो चीज़ ही स्किप है, बफर हो रही है उधर वीडियो। तो लाइव स्ट्रीम इज़ लिटरली नो चांस, कोई मतलब नहीं है इसका अगर मैं बार बार बफर्ड लाइव स्ट्रीम्स लेके आना चाहूँ तो। एंड आपको भी पता है कि जब यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम अपलोड हो जाती है और यूट्यूब उसको अपने हिसाब से रेंडर करता है, तो वहाँ से वो बफर हटा देता है। तो जब कोई लाइव स्ट्रीम अपलोड होती है तो लोगों को तो दिखता है कि अरे 38, जैसे आज मैंने लाइव स्ट्रीम करी 38 मिनट्स या समथिंग की, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर वॉर जोन की, तो लोगों को जब ये अपलोड हो जाएगी तो लोगों को ये दिखेगा कि अरे इसमें तो लैग था ही नहीं, ये क्यों, इसने बंदे ने बंद क्यों कर दी, लाइव स्ट्रीम बंद क्यों कर दी, सही तो चल रही थी। बट अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम पे आए होते तो आपको इश्यूज़ दिख रहे होते, बफर हो रही होती, बंदे लिटरली बफर बफर कमेंट कर रहे थे। तो ये बैटल रॉयल गेम के लिए तो डिस्ट्रैक्टिंग है ही। अगर स्टोरी गेम खेल रहा हूँ रेजिडेंट इविल 3 जैसी या कोई भी अदर गेम, वैम्पायर और GTA, और उस पर बफर 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 स्पैम हो रहा है, तो एज अ लाइव स्ट्रीमर मेरा ध्यान उधर अगर जाएगा तो आई वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दी गेम। सो दिस इज टू ऑल दोज हु हैव जॉइंड माई चैनल, हु आर एक्चुअली फाइनेंशियली सपोर्टिंग माई चैनल, एंड दिस इज टू ऑल माई प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, ब्रदर्स, फेलो गेमर्स, स्ट्रीमर्स। गाइज, अगर मेरे चैनल पे आप लोग हो सब्सक्राइब, अगर आपने चैनल को ज्वाइन कर रखा है, अगर आप मेरे लाइव स्ट्रीम्स देखते हो, आते हो, लाइक भी करते हो, व्यूज़ भी देके जाते हो, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि फिलहाल जब तक ये सारे इश्यूज़ यूट्यूब के सॉल्व नहीं हो जाते ड्यूरिंग कोविड, बेस्ट इज especially for a small channel like me that I should start doing recorded videos. ये मेरी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें किसी का वोट है या लाइक इट्स पर्सनल इशूज गोइंग ऑन, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, नहीं नहीं नहीं, आई एम परफेक्टली फाइन, आई वुड लव टू डू सम लाइव स्ट्रीम्स। अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब सर्वर्स आर डाउन, कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है, कभी लाइव स्ट्रीम पे वॉचिंग जीरो दिख जाती है जबकि बंदे लिख रहे होते हैं कि भैया क्या हो रहा है, हम तो हैं यहाँ पे, क्यों नहीं दिखा रहा। मॉडरेटर्स परेशान होते हैं सबके चक्कर में, ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बफर। अ लाइव स्ट्रीम शुड रन स्मूथली, भाई इंटरनेट कनेक्शन सही है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छे से है, OBS सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हग रहा है, मैं मानता हूँ क्रैश करता है, बट अदर देन दैट
ये जो बफरिंग इशू था ये मेरे एंड से नहीं था, ये बफरिंग इशू यूट्यूब सर्वर के एंड से था, एंड आई कांट प्ले गेम्स वाइल माई स्ट्रीम बफर्स. मुझे खुद ही नहीं पता क्या कंटेंट जा रहा है, क्या आधा बफर हो रहा है, एंड दैट इज़ वेरी डिस्ट्रैक्टिंग फॉर मी. मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, डिस्ट्रैक्टिंग है. तो गाइज प्लीज़ सपोर्ट मी. और मैं लाइव स्ट्रीम तो नहीं कर पाऊँगा अब कुछ दिनों के लिए, देखता हूँ कब ये इशू सॉल्व होता है. मेरे हिसाब से तो अगर वाकई सर्वर का इशू है यूट्यूब के, तो भाई ऑब्वियसली कोविड जब तक चल रहा है तो ये सब चीज़ें नहीं रिजॉल्व हो पाएंगी. बट आई स्टिल give my level best, do some recorded videos, and एक बार फिर से मैं ये क्लियर करना चाहूँगा अपने सभी सब्सक्राइबर्स, ज्वाइंट मेंबर्स और जो लोग गॉड ऑफ वॉर के फ़ैन हैं उनके लिए, कि गॉड ऑफ वॉर के वीडियोज़ जो आते हैं जिनमें कभी कभी मेरी कमेंट्री नहीं होती, देखो कैमरा तो इसलिए नहीं होता क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर से मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ वो कैमरा अलाउ नहीं करता, ठीक है. वो अलग सॉफ्टवेयर है उस गेम को चलाने के लिए भी, उस गेम को रिकॉर्ड करने के लिए भी. ये स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर्स नहीं यूज़ करता मैं उसके लिए. सेकंड, माइक ग्लिच कर जाता है. वो जो सॉफ्टवेयर जिससे मैं वो गेम रन कर रहा हूँ गॉड ऑफ वॉर, माइक अक्सर उसमें ग्लिच कर जाता है. मुझे लगता है आई एम रिकॉर्डिंग, मैं पूरे टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, और जब रिकॉर्डिंग मैं ओवर करता हूँ और मैं दोबारा चेक करता हूँ भाई आओ वीडियो एडिट करें, तो मैं देखता हूँ भाई रिकॉर्डिंग में तो आवाज़ है ही नहीं मेरी. अब पूरा गेम दोबारा से रीसेट होता नहीं है उसमें. ऐसा नहीं है कि मैं पिछला सेव चालू कर दूं, मैं सेव के ऊपर सेव करता हूँ. मेरी पुरानी गंदी आदत है, आई नेवर यूज़ अ एक्स्ट्रा स्लॉट. मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं एक ही स्लॉट पे सेव करता जाऊँ, तो जहाँ तक पार कर लिया वहाँ तक पार कर लिया, अब उसको दोबारा से पार करने का कोई मतलब नहीं है. सेकेंड, मैं खुद चाह रहा हूँ कि गॉड ऑफ वॉर 1 जल्दी ख़त्म हो, 2 फिर जल्दी ख़त्म हो, ताकि 3 और 4, जो गॉड ऑफ वॉर 3 और गॉड ऑफ वॉर 4 वो मेरे पास PS4 पे है, तो मैं अच्छी क्वालिटी का कंटेंट भी अपने चैनल पे फाइनली अपलोड करूँ. इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स, मेरे को तो गेम बहुत पसंद है. गॉड ऑफ वॉर इज़ वन ऑफ द लेजेंडरी गेम्स मेरे टाइम के, और इवन मेरे बाद आए हुए गेमर्स भी ये बात जानते हैं कि गॉड ऑफ वॉर जैसी गेम लाइक रेयर बनती है, बहुत रेयर बनती है. तो दिस इज़ इट, यही मुझे था आपको बताना इस वीडियो के थ्रू. गाइज प्लीज़ डू सपोर्ट माई चैनल. रिकॉर्डेड वीडियोज़ लाऊँ चाहे कैसे भी करूँ, मैं आप तक कंटेंट ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा. देर आर एडवर्सिटीज़, बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं. देर आर सम फाइनेंशियल इशूज़, देन देर आर बिजली का इशू. भाई मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कटती है इन द मंथ ऑफ मे, जून, जुलाई, और अब क्योंकि सब घर ही पे हैं तो अप्रैल मंथ भी कुछ खास अच्छा नहीं जा रहा है. कल बल्कि 14 या 15 अप्रैल के अराउंड से ही दिन में भी लाइट्स कटनी शुरू हो गई हैं. तो आई एम सो सॉरी अगर मैं थोड़ा इरेगुलर दिख रहा हूँ, अगर मैं दिख रहा हूँ कि मैंने वादा किया था आज ये वीडियो आएगी और नहीं आ पा रही है, आई एम वेरी सॉरी फ्रॉम माई एंड. आई एम बींग एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल. तो प्लीज़ बी ऑनेस्ट टू माई चैनल. जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, जिन्होंने अपना पैसा लगा रखा है, हार्ड अर्न्ड मनी मेरे ऊपर खर्च कर रहे हैं, प्लीज़ डू वॉच द वीडियोज़. आई कॉन्ट डू लाइव स्ट्रीम्स बिकॉज ऑफ यूट्यूब सर्वर्स, बिकॉज ऑफ द बफरिंग, बिकॉज ऑफ द OBS क्रैशिंग, एंड बिकॉज ऑफ बिजली. तो गाइज प्लीज़ डू सपोर्ट मी. मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे, और देखते रहिए मेरे चैनल गेमिफाइड, जहाँ मैं क्या होता है टू कीप ऑन गेमिफाइंग योर लाइफ. एंड टेक केयर, स्टे सेफ, घर पे ही रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए, और कोशिश करिए कि आपके घर वाले भी आपकी बात माने, क्योंकि अब द कंट्रोलिंग दिस डिजीज़ इज़ इन आवर हैंड्स, लिटरली हमारे हाथों में. भाई कुछ अगर आपका मूड ख़राब है, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं घर में बैठे बैठे, तो आइए मेरे वीडियोस देखिए यार, या किसी भी गेमिंग चैनल के वीडियोस देखिए, या आपको कॉमेडी पसंद है आप कॉमेडी देखिए, आपको टेक चीज़ें पसंद है आप टेक पे जाइए, नो प्रॉब्लम. लेकिन अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट रखिए जो कुछ भी आपके आसपास हो रहा है. ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स दैट आर पॉजिटिव इन लाइफ, एंड देयर इज माई जर्मन शेफर्ड राइट नाउ सेइंग द सेम. तो मिलता हूँ गाइज अगली वीडियो पे. टिल देन टेक केयर, गुड नाइट.